नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर वन और लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। और हमारे समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी। फसल को सुरक्षा कवच, किसान हर को निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें ए से जेड तक। मालदा में शेक्सपियर कांड की पुनरावृत्ति। एक युवक ने माँ पिता बहन एवं नानी की हत्या कर 4 महीने तक घर में दफना रखा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल के शेक्सपियर कांड की साया कल मालदा में देखने को मिली, जहाँ एक युवक ने अपनी माँ पिता बहन और दादी की हत्या कर 4 महीने तक अपने घर के तहखाने में दफना रखा था। मालदा के कालिया चौक में इस घटना के प्रकाश में आने के बाद इलाके में दहशत है। पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम आसिफ महबूब है, जिसका उम्र 18 वर्ष है। घटना कुछ महीने पहले की है। कालिया चौक थाने के ओल्ड 16 माइल के गुरुटोला गांव में घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार पुलिस पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल किया है। पुलिस शनिवार को जमीन में दफनाए गए शव को बाहर निकालेगी। पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है। इस हत्याकांड से पूरा इलाका सदमे में है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतकों में जौयाद अली जो कि पिता हैं, ईरा बीबी माँ, आरिफा खातून बहन, एलेक्सन बीवी दादी शामिल है। आरोपी के घर से लैपटॉप, कई फोन, साउंड सिस्टम, टीवी, सीसीटीवी कैमरा सहित कई अत्याधुनिक गैजेट बरामद किए गए हैं। बताया जाता है कि आरोपी अपने घर में किसी बाहरी को प्रवेश नहीं करने देता था। उसने अपने घर में ही लैब बना रखा था। पुलिस घटना की जाँच शुरू कर दी है। পরে খবর পেলাম নাকি যে পুলিশ ওর কাছে কিছু প্রমাণ পায়নি, মেয়ে আরেস্ট করে নিয়ে গেছিলো, প্রমাণ না পাওয়া পুলিশ ওকে ছেড়ে দিয়েছে। ছেড়ে দেওয়ার পরে সে বাড়িতে ছিল, বাড়িতে থাকার পরে এক এক মাস বাড়িতে থাকার পরে পাঠা দেওয়ার পর হচ্ছে যে বাড়িতে নাই, আর কেউ থাকছে না, বাড়িতে তালা মারা, কেউ নাই। তারপর আপনার মোটামুটি 15 দিন পরে আবার দেখি বাড়িতে এসছে। এক দুদিন গ্রামের লোক দেখেছে যে এসছে, বাড়িতে আছে, এরকমই ঠিকঠাক ছিল। আজকে সকালে হঠাৎ খবর পাচ্ছি যে এরকম ব্যাপার, বাবা মাকে, দিদাকে, বোনকে সবকে মেরে পুঁতে রেখেছে ঘরের মধ্যে। তারপরে আমরা গ্রামের লোক সব উঠে এসে দাঁড়ালাম, দেখলাম এখনও কিন্তু কোনো কিছু পাওয়া যায়নি। পুলিশ আসবে, ইনভেস্টিগেশন করবে কী হচ্ছে। কেউ চলেনি তো ওর সাথে, ছোটো বাচ্চা কাল থেকে পড়াশোনা করতো, ওর সাথে চলাফেরা কারো নাই, বাচ্চাই তো আছে, 17 বছর বয়স হলো। খাওয়া দাওয়া সব অনলাইন অর্ডার, কোথা থেকে আসতো কেউ জানে না, কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দিত না, কারো এলাও ছিল না। বাবা মা, ভাই বোন, দিদা, পাড়া প্রতিবেশী কারো এলাও ছিল, কোনো এলাও ছিল না। পড়াশোনা করতো আর কী করতো বাড়ির ভেতরে ওই জানে। আমরা দেখছি সিসিটিভি লাগা আছে, এতগুলো সিসিটিভি লাগা আছে, 4-5টা ল্যাপটপ পেয়েছে ওর কাছে, নিয়ে ব্যস্ত থাকতো সব। বাস এইটুকুই আমরা দেখেছি, শুনেছি ওদের সাথে। আমরা তো ওদের অনেক সিনিয়র ইউবি হিসেবে, আমরা তো ওদেরকে ছেলেটাকে এখন পর্যন্ত হয়তো আমি যদি ঠিক মতো দেখি তো ওই ফেসটা চিনতেও পারো, এরকম ব্যাপার। বাড়ি থেকে বেরোতো খুব কম, বাড়ি থেকে বেরোতো বাড়ির ধরে ওর বাবা মানে 4-4.5 মাস হয়ে গেল। আমরা আর কি জিজ্ঞাসা করবো, ওকে দেখতেই পাই না তো, কোথায় থাকে না থাকে ছেলেটা, কী করে না করে, আমরা ঠিক জিজ্ঞাসা করব। এই ঘরটাতে ওর যা শুনেছিলাম মানুষের মুখে শোনা, আমরা নিজে দেখিনি বা যাইও নি, শুনেছি কম্পিউটার নিয়েও ব্যস্ত থাকে। আজকে তো যেটা শুনেছি আপনাদের মুখ থেকে শুনলাম, আপনাদের মিডিয়া থেকেই শুনছি, সব কিছু লোকের লোকের মুখে শুনছি কি যে নাকি ওর বাবা মা, দিদা, বোন ওরাকে মেরে নাকি ট্যাঙ্কিতে পুঁতে রেখেছে, করে দিয়েছে, কতদিন হলো এটাও বলতে পারবো। नहीं रहे फ्लाइंग सिख। लीजेंड स्प्रिंटर मिल्खा सिंह का 91 साल की उम्र में कोरोना से निधन। 5 दिन पहले ही उनकी पत्नी भी गुजर गई।
पूर्व भारतीय लीजेंडर स्प्रिंटर मिल्खा सिंह का कोरोना की वजह से शुक्रवार रात 11:30 बजे निधन हो गया। वे 91 साल के थे। 5 दिन पहले उनकी पत्नी निर्मल कौर का पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के कारण निधन हो गया था। मिल्खा सिंह का चंडीगढ़ के PGIMER में 15 दिनों से इलाज चल रहा था। उन्हें 3 जून को ऑक्सीजन लेवल गिरने के कारण से ICU में भर्ती कराया गया था। 20 मई को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मिल्खा को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने एक शानदार खिलाड़ी को खो दिया। मिल्खा ने असंख्य भारतीयों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई थी। मिल्खा के व्यक्तित्व ने उन्हें लाखों लोगों का चहेता बना दिया। उनके निधन से पूरे देशवासी दुखी है। मिल्खा सिंह पाकिस्तान में आयोजित एक दौर के लिए गए थे। इसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। उनके प्रदर्शन को देखकर पाकिस्तान के जनरल आयुब खान ने उन्हें द फ्लाइंग सिख का नाम दिया। सन 1960 को रोम में आयोजित समर ओलंपिक में मिल्खा सिंह से काफ़ी उम्मीदें थी। 400 मीटर की रेस में वे 200 मीटर तक सबसे आगे थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी गति धीमी कर दी। इससे वह रेस में पिछड़ गए और 4th नंबर पर रहे। सन 1964 में उन्होंने एशियाई खेल में 400 मीटर और 4x400 रिले में गोल्ड मेडल जीते। कोरोना की जंग जीतकर घर लौटी 92 वर्षीय वृद्ध महिला। जलपाईगुड़ी शहर की 92 वर्षीय बासनामई रॉय कोरोना की जंग जीतकर घर लौटी है। जलपाईगुड़ी के अदारपाड़ा की इस बुजुर्ग महिला के कोरोना को मात देकर घर लौटने पर सभी ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया है। इस बुजुर्ग महिला के 65 वर्षीय बेटे तपन रॉय अपनी माँ के स्वस्थ होकर घर लौटने पर खुशी से रो पड़े। उन्होंने कहा 92 वर्ष की उम्र में उनकी मां कोरोना को हरा देगी, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उन्होंने इसके लिए चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों का आभार व्यक्त किया है। वृद्ध महिला के घर लौटने के बाद घर के चारों ओर खुशी देखी जा रही है। वहीं वृद्ध महिला की बहू ने कहा, हम अपनी सास को वापस पाकर खुश है। गौरतलब है कि कोरोना होने के बाद जलपाईगुड़ी शहर के राजबाड़ी पारा स्थित एक निजी नर्सिंग होम में इस वृद्धा को भर्ती कराया गया था। नर्सिंग होम के डॉक्टर सुमंत्र मुखर्जी ने कहा, हमें 92 वर्षीय बासनामई रॉय को स्वस्थ कर घर भेजकर बहुत खुशी हो रही है। अगर सही समय पर इनका इलाज शुरू कर दिया जाए तो कोरोना को हराया जा सकता है। खुबी तो भलो लगे फिर भागते যে কতদিন আর বাঁচায় থাকবে এটার উপর আলোচন এইটাই আমাদের একটা বড় পাওনা যে এই বয়সে উনি আমাদের মাঝখানে মাঝে আবার ফিরে আসছে। করোনা হয়েছিল গত 4 তারিখে করোনা ধরা পড়ে এবং টাচে ভর্তি ছিল। গতকাল ওনাকে কোভিড মুক্ত করে জেনারেল বেডে নিয়ে আসে এবং জেনারেল বেডের থেকে কিছুটা সুস্থ করে আজকে বাড়িতে আসছে। আমরা সবাই খুশি। হ্যাঁ এখন নেগেটিভ, কালকেই নেগেটিভ ছিল, করোনা হয়েছিল। আচ্ছা, করোনা হাতে এখন সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরে এসছে। ফিরে আসার পর এখন এই বয়সে যে সুস্থ হয়ে আসবে আমরা ভাবতে পারিনি, কিন্তু এখন একটু ভালোই আছে। হ্যাঁ, সে 92। না না, আমরা কোনোদিন ভাবতে পারিনি যে কি হবে। এর আমার একটা চিন্তা, বাড়ির সবার টেনশন আর কি, বাড়ির লোক সবাই টেনশনে ছিলাম। এখন একটু সবাই না মা আসছে, আমাদের একটু চিন্তিত দূর হলো। হ্যাঁ, বাসনাময়ী রায়, ওনার বয়স 92 বছর। ওনার ছেলেও আমার পরিচিত বিপুল, ও লয়ার। ওদের বাড়ি পোস্ট অফিসের পোস্ট অফিসের ওখানে বা ওই ওদের আদরপাড়াতে ওদের পৈতৃক বাড়ি আছে। ভর্তি হয়েছিল আমাদের এখানে, প্রায় 12 দিন ভর্তি ছিলেন। কোভিড নেগেটিভ, কোভিড পজিটিভ ছিলেন। তার সঙ্গে ওনার বার্ধক্যজনিত অনেকগুলো সমস্যা ছিল, যাই হোক সবগুলো ওভারকাম করে আমরা আজকে ওনাকে ছুটি দিলাম কোভিড নেগেটিভ করে। ভালো লাগছে এবং এটা একটা খুব মানে জলপাইগুড়ির বাসীর কাছে খুব একটা আসার খবর যে 92 বছর বয়সেও একটা কোভিড থেকে এরকম একটা রোগ থেকে উনি মানে নেগেটিভ হয়ে সুস্থভাবে বাড়ি গেলেন। ওনার সামান্য একটু পটাশিয়ামের সমস্যা আছে, কম আছে, সেটা খাওয়া দাওয়া করলে এবং ওষুধপত্র খেলে আশা করা যায় ওনার পরবর্তীতে খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথা নয়। मुकुल रॉय के जाने से भाजपा का नहीं पड़ेगा कोई फर्क, चोपड़ा में सायंतन बसु ने कहा।
अवसरवादी नेता पार्टी में नहीं रहे तो ही अच्छा है। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा में दलिया कर्मसूची में योगदान देने के लिए आए भाजपा के प्रदेश महासचिव सायंतन बसु पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुकुल रॉय के जाने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक हाथी के समान है और हाथी पर अगर कोई चींटी उतर जाती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि कुछ नेता पार्टी में भेदिया बनकर आए हैं, भेद नहीं जान पाए तो फिर से वापस लौट रहे हैं, ऐसे नेताओं को लौट जाना ही अच्छा है। सायंतन बसु ने चोपड़ा में हिंसा से प्रभावित भाजपा कर्मियों और उनके परिवार वालों के साथ मुलाकात की और उनको आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने राज्य में चल रहे हिंसा के दौर के लिए तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। चोपड़ाते हमारे बहु कार्यकर्ता घर छाड़ा आज महिला अत्याचार हो पुलिस व्यवस्था नए বরঞ্চ আমাদের কার্যকর্তা যারা অত্যাচারিত, যাদের বাড়ি ভেঙেছে, যারা ঘর ছাড়া গ্রাম ছাড়া, তাদের বিরুদ্ধেই পুলিশ কেস দিচ্ছে। এগুলো খোঁজখবর করতে এসেছি, তাদের পাশে কীভাবে দাঁড়ানো যায়, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কীভাবে দাঁড়াতে পারে, তার জন্যই আজকে আসা। সে ব্যাপারে তাদের সঙ্গে কথা বলব। কেউ যাবে না, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। কে যাচ্ছে নাম বলুন তো। এই জেলাতে কী পাশুদা 10 জনের নাম হবে যারা দল ছেড়ে গেছে? কো একটা এত বড় একটা জেলা যেখানে সাংসদ আছে, বিধায়ক আছে, সেখান থেকে যাচ্ছে না, আপনি কোথা থেকে নাম খুঁজে পাচ্ছেন? কেউ যাচ্ছে না, নাম বলুন না। আমি তো চ্যালেঞ্জ করছি, পুরো রাজ্যে আমাকে 10 জনের নাম বলে দিন। আমি বললাম যারা কয়েকদিনের জন্য অন্য দল থেকে এসছিলেন, খোঁজখবর নিতে এসছিলেন, তারা খোঁজখবরের সন্ধান না পেয়ে ফিরে গেছেন। যেতে পারে, জানে ওয়ালে কো কন রোক সকতা হয়। আমি এর আগেও বলেছি, শিলিগুড়িতে বলেছি, যে ভারতীয় জনতা পার্টিটা হচ্ছে একটা হাতির মতো, একটা বিশাল চেহারা। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে 1 কোটি 10 লক্ষ মেম্বার আছে, সারা ভারতবর্ষে 13 কোটি মেম্বার আছে, বাংলায় 18 জন লোকসভার 2 জন রাজ্যসভার সাংসদ আছে, বিধানসভায় 77 জন, এখন কমে 75-74 জন বিধায়ক আছে, এত পঞ্চায়েত আছে, সারা দেশে আমাদের সরকার আছে, এত বড় দল। তার থেকে হাতির পিঠ থেকে যদি 3-4টে পিঁপড়ে নেমে যায়, যারা মধু খেতে এসেছিল, মধুর সন্ধান না পেয়ে তারা যদি নিচে নেমে যায়, তাহলে কি হাতির কোনো তাতে কোনো সেন্সের তফাত হয়? কেউ বেসুরো গাইছে না, একজন দুজন গান টান গাওয়ার চেষ্টা করছেন, এখন তারা কি গাইবেন তাদের বিষয়ে। কিন্তু সেভাবে পার্টির প্রতিষ্ঠিত নেতা কেউ বেসুরো গাইছে না, নাম বলুন না। আমি তো স্পষ্ট ভাষায় বলবো, তো রাজীব ব্যানার্জি পার্টির কোনো দায়িত্বে নেই। তিনি আমাদের নির্বাচনের আগে যোগদান করেছিলেন, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, পার্টির পদাধিকারীও নন, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিও নন। তার যদি কিছু বলার থাকে পার্টিকে বলতেই পারেন। খোড়িবাড়ি এলাকে মে 25,000 কে জালি নোট কে সাথ এক গ্রেফতার। खोड़ीबारी ब्लॉक के पीडब्ल्यूडी मोर इलाके से पुलिस ने एक व्यक्ति को जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम सुव्रत देवनाथ है और वह माटीगारा के पत्तीराम जोत इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। वह इलाके में 200 और 100 रुपए की जाली नोट लेकर सामग्री खरीद रहा था। स्थानीय लोगों को संदेह होने पर पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 25,000 रुपए के जाली नोट बरामद किए हैं। आरोपी को आज अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेगी और यह जानने की कोशिश करेगी कि इसके पास जाली नोट कहाँ से आए। তো জাল নোট নিয়ে এসে প্রথমে কিছু জিনিস নেয়, তারপর বোধ হয় বুঝায় যে জাল নোট ছিল, পরে বুঝতে পারি যে জাল নোট এটা। তো দাঁড়াতে বলি, ও পালানোর চেষ্টা করে, পালাতে গিয়ে সবাই পাবলিক ধরে ফেলে। তারপর পকেটটাকে চেক করে দেখা যায় যে পকেটে আরও কিছু জাল নোট ছিল, 200 টাকার নোট আর 100 টাকার অনেক নোট ছিল। তো ওর সাথে আরেকজন ছিল, সে পালিয়ে গেছে। তো প্রথমে স্বীকার না করলো, পরে স্বীকার করেছিল। তো বাবাকে মোটামুটি 2,000 টাকার মতো 200 টাকা নোট পাওয়া হয়েছে আর 100 টাকা আর কি বেশ কিছু নোট ছিল। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा, पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर,
वेट लॉस गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स, तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी विश्वक पहिलो कीटनाशक औषधि, जसको एक स्प्रेले भ्याक्सिन सर काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस बैक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरू को निम्ति वरदान। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और एनएक्सटी डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके माइनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। कम हो रहा है कोरोना, 24 घंटे में देश में 60,739 संक्रमित मिले, 57,779 ठीक हुए और 1,645 की हुई मौत। देश कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। शुक्रवार को 60,739 संक्रमितों की पहचान हुई है, 97,779 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 1,645 लोगों ने जान गंवा दी। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 38,709 की कमी आई है। राहत की खबर है कि बीते दिन देश के 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 500 से भी कम नए केस आए हैं, वहीं 14 राज्यों में 1,000 से कम संक्रमितों की पहचान हुई। भाजपा के 3 पंचायत सदस्य तृणमूल में शामिल। अलीपुरद्वार जिले के गोरापारा क्षेत्र भाजपा के 3 ग्राम पंचायत सदस्य शुक्रवार को सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। आज यहां एक कार्यक्रम में भाजपा के 3 पंचायत सदस्य भाजपा छोड़कर तृणमूल में शामिल हो गए। तृणमूल के अलीपुरद्वार जिला अध्यक्ष मृदुल गोस्वामी और तृणमूल के अलीपुरद्वार जिला समन्वयक पासंग लामा ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले पार्टी के लोगों को झंडा सौंपकर उन्हें अपने दल में शामिल किया। একটা সময় একটা শ্রেণীর হাতে দলের নেতৃত্ব ছিল, সেই নেতৃত্ব দলকে বাড়ানোর চিন্তা কোনোদিন করেনি, দলকে বাড়ানোর ভাবনা কোনোদিন করেনি। তাই বহু সাধারণ মানুষ দল করবার ইচ্ছা থাকলেও আমাদের থেকে দূরে সরে থাকতে, আজকে সেই শ্রেণীর নেতৃত্ব আর দলে নেই, তারা আপন বিদায় হয়েছে। তাই সকল মানুষ
দলে দলে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছে। গতকাল রায়বাদ খাওয়ায় আমাদের একজন জিপি মেম্বার সহ মন্ডল সভাপতি সহ 52 জন পদাধিকারী বিজেপি জয়েন করেছে। সবচেয়ে বড় কথা, এই এলাকার স্বনামধন্য ব্যক্তি যেমন লাল সিং ভুজেল বনবাসীদের নিয়ে, অর্থাৎ ফরেন ভিলেজার্সদের নিয়ে দীর্ঘদিন তিনি আন্দোলন করেছেন। রামকুমার লামা আরএসপির দুবারের জেলা পরিষদের মেম্বার ছিল এবং বর্তমানে আর্ট অফ লিভিং এর কর্ণধার। এখানে কালকে রামকুমার লামাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে শক্ত করবার জন্য লাল সিং ভুজেলকে সাথে নিয়ে আমাদের দলে যোগ দিয়েছেন। अवैध लैब चलाने व कोरोना की फर्जी रिपोर्ट देने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार, 5 दिनों की पुलिस रिमांड में आरोपी। सिलीगुड़ी में एक बार फिर से लैब के नाम पर फर्जी रिपोर्ट दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम इंद्रजीत कुमार बताया जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही सिलीगुड़ी पुलिस ने इसी तरह कोरोना की झूठी रिपोर्ट देने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार सिलीगुड़ी मेट्रोपोलिटन पुलिस की माटीगढ़ा थाने की पुलिस और खुफिया विभाग ने गुरुवार रात शिव मंदिर से इंद्रजीत कुमार नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस को पता चला कि इंद्रजीत घर घर जाकर लोगों से कोरोना का सैंपल कलेक्ट करता था, फिर फर्जी रिपोर्ट बनाकर लोगों को दिया करता था। शुक्रवार को उसे सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया, जहां न्यायाधीश ने उसे 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी का घुघुमाली चैनपारा मेन रोड पर एक दवा की दुकान और डायग्नोस्टिक्स सेंटर है, जो कई महीनों से बंद था। हाल ही में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टरों ने पुलिस आयुक्त से अवैध रूप से चलाए जा रहे लैब के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसी के आधार पर पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया। गृह मंत्री अमित शाह से 2 दिन बाद आज फिर मिलेंगे बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, उसके बाद लौटेंगे कोलकाता। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ दिल्ली दौरे पर है और शनिवार को कोलकाता के लिए रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। ये 2 दिन में अमित शाह से उनकी दूसरी मुलाकात होगी। इससे पहले जगदीप धनखड़ ने 17 जून को भी उनसे मुलाकात की थी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर अमित शाह से मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोलकाता लौटने से पहले अमित शाह से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात करेंगे। पूर्व छात्राओं ने स्वयं से भी संगठन की सहायता से गरीबों की मदद की। जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट बालिका विद्यालय के 2008 के हायर सेकेंडरी पास आउट छात्रों ने कोरोना काल में गरीबों एवं जरूरतमंद लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। स्वयं से भी संस्था आसार आलोक के सदस्यों के संयुक्त आर्थिक सहयोग के कुष्ठ आश्रम के 16 परिवारों तथा आसपास के क्षेत्रों के 13 परिवारों को खाद्य सामग्री प्रदान की गई। इन लोगों ने कि आज आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों को 5 किलो चावल, 300 ग्राम दाल, 300 ग्राम सोयाबीन, 200 मिली तेल, 1 पैकेट बिस्कुट, 1 किलो आलू, 5 अंडे प्रदान किए गए। आयोजकों का कहना था कि जिस तरह से हर दिन कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उससे लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। साथ ही कोरोना महामारी में समाज के लोगों के कल्याण के लिए लोगों के साथ खड़े होने का प्रयास किया जाना चाहिए। आशार आलोर जरा सम्मानिया प्रतिनिधिवृंदा जरा इस आज के 3 नम्बर वार्डे कुष्ठ आश्रम एवं संलग्न अंचले अपना जान लकडाउन चलते मानुषे दुरवस्थार शेष नहीं कोविड एवं महामारी परिप्रेक्षित आज के आशार आलो नतून आशा जागिए एखानकार मानुषे मन तारा आज के सहयोगिता चेहे हमें तक के सहयोगिता करार चेष्टा कर आज के कुष्ठ आश्रम से आश्रमे जरा बसिंदा तर हाथे आज के खाद्य द्रव्यदि तुले दिलें आशार आलोर सम्मानिया सम्मानिया महिला बृंदा जरा आ ता तक धन्यवाद जाना आशार आलो जो नतून भावे आशा जगा समाजे एवं मानुषे पशे इसे दाड़ा कोविड आक्रांत रोगी पशे इसे दाड़ा दुस्थ मानुष जरा आशे इसे दाड़ा सेज आओ एक बार आशार आलो जरा प्रतिनिधिवृंदा रही अब तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहे एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।